जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे इस नए ऑर्गेनाइजेशन एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है। एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, वो स्टार जो एंजल हैं, वो सितारे जो हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं, वो सितारे जो जिंदगी को खुशहाल बनाने की ताकत रखते हैं, वो सितारे जिनके बिना हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं रहती है, उन्हीं सितारों की उस जगमगाहट को, रोशनी को, उनकी उस ताकत को हमारी जिंदगी के अंदर हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसी के लिए पूरी दुनिया के अंदर लोगों को धर्म के साथ जोड़ने के लिए, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए, लोगों को खुशहाल बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं, वही सारे काम हम इस एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन के साथ में करने वाले हैं। और इसमें आप सबका हमें हृदय से प्यार चाहिए, ढेरों प्यार चाहिए, और आप सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं।
के अंदर अपने आगे के कर्मों को भोग रही है और आपको इस समय पर अपने वर्तमान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। बोलिए कल की अवतार महाराजा निराज नागेश्वर भगवान महाकाल सनातन धर्म की जय। इसलिए एक प्रतिज्ञा आज आपको जरूर करनी है, आपका हर कर्म पवित्र होना चाहिए। प्रेजेंट करते हैं वन एक, एक का मतलब वही एक है, ओनली सिंगल। यहीं से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति हुई और यहीं से ब्रह्मांड की रचना भी आरंभ होती है। उसके बाद दूसरा तत्व काम करता है, चंद्र तत्व जिसे हम कहते हैं, यानी आत्माओं का निर्माण, यानी सूक्ष्म रूप से ऐसी आत्माओं का निर्माण इस संसार में हुआ जिसे हम चंद्र तत्व दो नंबर से जानते हैं। और जब हम शरीर को छोड़ देते हैं तब उसी तत्व के अंदर विलीन हो जाते हैं, उनको सब ज्ञात है। और फिर इस संसार में पांचवा तत्व आया जिसे कहा गया बृहस्पति अर्थात ज्ञान। और यहीं पर पहली बार इस संसार में मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य प्रकट हुआ। इसीलिए हम कहते हैं इस शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। अब आपको एक बात समझ आई होगी ना कि कैसे पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। ये फाइव एलिमेंट जब इस संसार में आए उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य के जन्म के बाद एक विकास यात्रा आरंभ हुई, छठा एलिमेंट आया। हमने संसार के संसाधनों का प्रयोग करना सीखा, सिक्स एलिमेंट यानी शुक्र का एलिमेंट। शुक्र अर्थात वो ईश्वरीय शक्ति दे सकती है क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। संसार के आरंभ से लेकर अंत तक के जितने तत्व काम कर रहे हैं, नाइन एलिमेंट्स जो काम कर रहे हैं, वो सब तो देवताओं के पास हैं, उसी से तो संसार चलता है। फिर भी इंसान को एक शिकायत रहती है। क्या शिकायत रहती है? भगवान आप तो भगवान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, हम मनुष्यों की तरह इस संसार में आके देखो ईश्वर, तब पता लगे कितने दुख होते हैं। तो ईश्वर कहता है तेरी ये उम्मीद भी पूरी कर देता हूं। तब फिर वो तीसरी स्टेज में भगवान बनकर के इस धरा पर आते हैं। नहीं आता है वो, हिंदी लैंग्वेज संस्कृत उर्दू कहीं नहीं आता है। ओम यानी वो शक्ति, वो स्पंदन जो आप स्वयं अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए। एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, एक परमात्मा की आवाज है। जब उस परमात्मा ने संसार की रचना की तब उन्होंने ईश्वरीय शक्ति को इस धरा पर भेजा। और ईश्वरीय शक्ति कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश और बाकी जितने भी देवी देवता हैं, ये सब ईश्वरीय शक्ति है। और ईश्वरीय शक्ति को मैंने क्या कहा? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, यानी यहां मंगल तत्व नहीं आया, शरीर नहीं आया। इसलिए आपने ईश्वर की उत्पत्ति का रहस्य तो समझा होगा, ब्रह्मा जी कैसे आए, भगवान शंकर कैसे उत्पन्न हुए, विष्णु जी का, लेकिन उनका कभी अंत आपने सुना कि शिव जी तब आए थे और तब चले गए? भगवान राम का पता है, भगवान कृष्ण का पता है, लेकिन ब्रह्मा जी का पता है? क्योंकि वो तो उत्पन्न हुए हैं, अनंत के लिए उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए ईश्वरीय शक्तियां जब प्रकट होती हैं तो अनंत काल तक, इस संसार के अनंत काल तक वो इस धरा पर मौजूद रहेंगी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी हैं, कलयुग में भी और हजारों लाखों वर्षों तक भी रहेंगे। इसीलिए स्थिति आज के लिए है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। इसीलिए भगवान राम के जन्म के समय जो ग्रहों की परिस्थिति थी वो अवतार पुरुष को उस धरा पर लेकर आई,
दोबारा कभी बनेंगे नहीं, इसलिए दोबारा राम इस धरा पर नहीं आएंगे, आएंगे तो कृष्ण रूप में ही आएंगे, फिर आएंगे तो कल के अवतार के रूप में ही आएंगे, क्योंकि ग्रहों की वो परिस्थिति नहीं बनेगी। और वो निरंतर चल रहा है, समय निरंतर चल रहा है, यानी ग्रहों की गति निरंतर चल रही है, इसीलिए कहा गया कि समय रुकता नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि ग्रहों की गति कभी रुकती नहीं है, अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। भगवान राम के समय भी यही सूर्य था, भगवान कृष्ण के समय भी यही सूर्य था, महावीर बुद्ध के समय भी यही सूर्य था, वही पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, यही चंद्रमा है जिसको ईश्वर का आह्वान करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, होता है ना, शादी भी होगी तो पंडित जी हवन कराएंगे यानी फेरे करवाएंगे, ईश्वरीय शक्ति का आह्वान होगा, बालक का जन्म हुआ होगा, यज्ञ होगा होगा, यहां तक कि मृत्यु होगी तब भी देवी देवताओं का आह्वान अवश्य किया जाएगा। इसीलिए तीसरी स्थिति आती है हमारी, वो आती है भगवान की, यानी कि जब भगवान वो ईश्वरीय शक्ति इस धरा पर आते हैं, मनुष्य की तरह ही जन्म भी लेते हैं, मनुष्य की तरह ही शरीर भी छोड़ते हैं और दिव्य लीलाएं करके जाते हैं, और इंसान को मनुष्य को ये समझाते हैं कि देख तेरी तरह ही इंसान बन के आया हूं, लेकिन उन कार्यों को कर रहा हूं जिसे करना तुझे असंभव लगता है। और जब भी भगवान इस धरा पर आया, वो ईश्वरीय शक्ति इस धरती पर आई भगवान के रूप में, उन्होंने हमेशा दुखों का चयन किया है। भगवान राम के जीवन में कौन सा सुख था बताइए, भगवान कृष्ण के जीवन में कौन सा सुख था बताइए, भगवान राम तो 14 वर्ष वन में रहे, भगवान कृष्ण पैदा होते ही उन्हें कारागार से कहां तरह से काम कर रहा था, वो नंबर एक यानी आत्म तत्व, इसलिए सत्युग के समय पर सभी दिव्य आत्माएं होती थी, सारी दिव्य आत्माएं थी सत्युग के समय पर, ईश्वरीय शक्ति को मानने वाली थी, जानती थी समझती थी, लेकिन जब एक तत्व के साथ एक तत्व यानी सत्युग का वो श्रेष्ठ समय, एक के साथ दो यानी कि सृष्टि के अंदर मन तत्व का इन्वॉल्व हो जाना, इस तरह से जब 20 का समय आया तो सत्युग का वो समय वो कालखंड समाप्ति की ओर था, और उस समय पर क्या विकृति आई, ध्यान से समझना, क्या विकृति आई थी कि जो एक था यानी आत्म तत्व था वो दूषित होने लग गया था, ईश्वरीय सत्ता को ही नकारना आरंभ हो चुका था। हिरण्यकश्यप क्या कहता था, कोई नारायण नहीं है, मैं नारायण हूं, मुझे पूजो मुझे जानो, उन्हीं का पुत्र प्रहलाद वो कहता है नारायण नारायण, वो कहता है इसका वध कर दो, क्या मार पाया। सत्युग के अंत समय में भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं, और भगवान नरसिंह के प्रकट होने के साथ ही उस सत्युग का अंत होता है, और 20 के बाद क्या आता है, 21। संचार माध्यम के द्वारा लोगों को कैसे भ्रमित किया जा सकता है, बात किसी से छिपी हुई है, मशीन के युग के अंदर हमने इस प्रकृति का कितना दोहन किया, ये बात किसी से छिपी हुई है, पॉल्यूशन किस लेवल पर पहुंच चुका है, बात किसी से छिपी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग किसी से छिपी हुई है, वॉर कितना चैलेंज करोगे प्रकृति को बताओ, हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम इस लेवल पर अपनी बुद्धि के विकास यात्रा को ले जा चुके हैं, और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 5050 नंबर वो समय चल रहा है इस ब्रह्मांड का, वो समय चल रहा है जब बुद्धि की विकास यात्रा का इस युग का एक शून्य, उसके साथ एक पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और नए युग का उदय होगा, धर्म युग का उदय होगा, और धर्म युग का उदय होगा तो अधर्म रहेगा क्या बताइए, जब धर्म होगा तो अधर्म होगा क्या। तो आज जितनी भी बुराई देख रहे हैं आप, क्या इसका अंत नहीं होगा, इसके बिना आप पहुंचोगे कैसे बताइए,
धर्म युग में प्रवेश कैसे करोगे इसके बिना? तो विनाश लीला तो यहां भी होगी, सतयुग में भी हुई, त्रेता में हुई, द्वापर में हुई, हुई ना? लोग नहीं समझ रहे थे ना, दुर्योधन को बात समझ में कहां आ रही थी बताइए? आती तो युद्ध कहां होता, लेकिन नहीं आई समझ में। युद्ध हुआ, भगवान को वो लीला करनी पड़ी, समाप्त हुआ वो युग। ऐसे ही कलयुग की भी समाप्ति होगी, और कलयुग की समाप्ति होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इन बुद्धिजीवों को जिनको भी समझ नहीं आ रही है, अंत होना निश्चित है ना। परमाणु बम बना के रखे हुए हैं हजारों की संख्या में, एक परमाणु बम सृष्टि को सृष्टि के इस विनाश के लिए पर्याप्त है, इस पृथ्वी के लिए हजारों बना के रखे हुए हैं। अब सोचिए हमने विकास की यात्रा को किस जगह ले जा चुके हैं, इसीलिए इस विकास यात्रा का अंत भी होगा और धर्म युग की स्थापना भी होगी, क्योंकि हमारे लिए आपकी पहचान एक आत्मा के रूप में है। आप कौन हैं, क्या हैं, कितना सामर्थ्य आपके अंदर है, क्या पोजीशन आपकी है, हमें उससे मतलब नहीं है। आपके भीतर बैठी हुई उस दिव्य आत्मा को हम जानते हैं, वही आपका हमारा परिचय है, और इसीलिए प्रत्येक जीवात्मा का सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए हम प्रत्येक जीवात्मा जो यहाँ उपस्थित है उनका भी संस्थान की ओर से सम्मान करेंगे। और मैं अगले क्रम के अंदर जिन्हें ईश्वर ने इस परिवर्तन के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा रख करके चुना है और इतिहास गवाह है, जब जब युग परिवर्तन हुआ ईश्वर इस धरा पर आए, उनके साथ बहुत बड़ी फौज नहीं थी, चंद लोग थे। और ईश्वर ने उस चंद लोगों के साथ ही इस धरा पर युग परिवर्तन का वो कार्य पूर्ण किया है। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपने भगवान पर विश्वास रखिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, वहीं से आपके लिए मार्ग आरंभ होगा, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा कि 10 साल 5 साल आप करेंगे तब जाकर वो मार्ग मिलेगा। कहते ना कि स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है, आपने देखा होगा ना, लास्ट टाइम पे क्या होता है, दीपावली पे फेस्टिवल ऑफर आता है। ऐसे ही युग परिवर्तन के समय पर भी ईश्वर इतनी बड़ी कृपा करता है, वो कहता है भूल जा पिछले सारे हिसाब किताब तेरे, क्या है, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, भूल जा, बस मैं इस धरा पर आया हूं, मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करो, तुम्हें इस युग के अंदर अगले युग में प्रवेश का मार्ग अवश्य मिलेगा। और अब देखिए भगवान राम जब आए, उनकी मदद किन लोगों ने की? गिलहरी, वानर, जामवंत, भील जाति के, जटायु, केवट, भगवान कृष्ण के समय पर कितने लोग थे उनके साथ में? सारे योद्धा तो कौरव की तरफ थे। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना तक कौरव को दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी उस युग परिवर्तन के समय के अंदर भगवान ने वो सब कुछ किया जो उस समय की आवश्यकता थी। और अब इतने वर्षों के पश्चात पुनः इस कलयुग से धर्म युग में प्रवेश की वो अनमोल बेला आई है, और हम सबको उस धर्म युग में प्रवेश करना है। और 7,500 साल का होगा ये धर्म युग, 7,500 साल का। एक ही धर्म होगा, एक ही धर्म को मानने वाले होंगे, प्रत्येक जीवात्मा धार्मिक होगी, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पर कोई पाखंड नहीं होगा, धर्म के नाम पर विविध तरीके नहीं होंगे,
क्योंकि हम उस कालखंड के अंदर आए हैं जहां से धर्म युग का आरंभ होने वाला है। और इतने साधारण शब्दों के अंदर वो बात आप लोगों के सामने रखूंगा जो आपको सहजता से समझ आएगी। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप चाहे ज्ञानी हैं या नहीं हैं, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, सिर्फ शुद्ध हृदय मन से साफ सुथरी सोच के साथ उस चीज को सिर्फ सुनना आपको सब चीज समझ आ जाएगी कि कितने अनमोल बेला के मध्य में हम खड़े हैं। हमारे भीतर करुणा देती है, हमारे भीतर त्याग देती है, दूसरों के प्रति सद्भावना देती है। और जब इसी आकलन को मैं करने लगा, करता गया, क्योंकि उस समय पर शनि का 30 वर्षों के पश्चात अपनी ही राशि में प्रवेश हो रहा था, यानी कि धनु राशि में हो रहा था, उसके पश्चात उसने 2020 में मकर राशि में प्रवेश करना था। अभी वो धर्म की राशि में था, धनु राशि में था। जब मैं उसका अध्ययन करता गया, पीछे जाता गया, तो मुझे 4000 वर्षों तक भी, पिछले 4000 वर्षों तक भी मुझे वो ग्रहों की स्थिति नहीं मिली जो अगले 7 सालों में बन रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ, जो 4000 सालों में नहीं हो रहा था वो अगले 7 सालों में होने जा रहा है। ईश्वर की कृपा से वो संकेत समझ आया कि युग परिवर्तन का समय आरंभ होने वाला है। ২০০৮ में जो संकेत मिला था अब उसके घटित होने का समय आरंभ हो चुका है। और तभी से एक प्रण लिया था कि इस संसार को आने वाले इस युग परिवर्तन के अंदर वो मार्ग देना है जिससे हर पवित्र जीव आत्मा उस धर्म के युग में प्रवेश कर सके, उस महाप्रलय से अपने आप को बचा सके। प्रलय दो तरह की होती है, एक बाहर से होती है, एक भीतर से होती है। बाहर की प्रलय को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं, लेकिन भीतर के प्रलय को हम कैसे रोकेंगे? भीतर भी तो हमारे दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। किसी को ईश्वर समझ आता है, किसी के भीतर गुरु के प्रति भाव है, तो किसी को सिर्फ संसार ही समझ आता है। लेकिन जो पवित्र आत्माएं हैं उन सबके उद्धार का जिम्मा भगवान ने स्वयं अपने हाथों में लिया है और वो होकर रहेगा। इसीलिए 2018 से जब निरंतर उस क्रम को मैं आगे करता चला गया, 2020 के अंदर फिर परिस्थितियां विकट आई, कोविड का समय आया। 2022, 2023, अब 2024 भी आने वाला है। 2023 हमें प्राकृतिक आपदाएं देकर जाएगा। ये आता है हर कालखंड में, वो समय आता है जब युग परिवर्तन का समय होता है। इस संसार में वो परमात्मा अवतरित अवश्य होता है। सतयुग का समय था, हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए, प्रहलाद को मुक्त करने के लिए, उसका जीवन का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण, और कलयुग में कौन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बोले लाडे सर भगवान महाकाल की।
इसीलिए उस ऊपर वाले की लीलाएं भी दिव्य हैं और उसकी दिव्य लीलाओं का आनंद भी हमें लेना चाहिए। इसीलिए इस सनातन धर्म की सही परिभाषा, सनातन धर्म की कसौटी, जिसे किसी भी स्तर पर यदि जांचा जाएगा, परखा जाएगा, तो परिणाम वही होगा जो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में था और आगे भी होगा। उसके परिणामों में लेश मात्र भी अंतर नहीं आएगा। उस सनातन धर्म की स्थापना का बीज हम कल रोपित करने जा रहे हैं। विज्ञान कहता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो जब वो प्रयोग दोहराया जाता है तो हर बार उसके रिजल्ट क्या बदलते हैं? नहीं, एक ही होते हैं। अगर कोई प्रयोग किया गया, उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ, अगर उस प्रयोग को बार बार दोहराएंगे तो परिणाम वही आता है। तो जो सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ में था, आज है और अनंत तक रहेगा, तो उसके परिणाम परिवर्तित कैसे हो सकते हैं? उसके परिणाम परिवर्तित नहीं होंगे। वही सनातन धर्म जिसका उल्लेख हमारे वेदों में है, हमारे शास्त्रों में है, उसी सनातन धर्म को वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरना है और वो काम कल के बाद से एक युद्ध स्तर पर आरंभ होगा। इस संसार की प्रत्येक उस जीवात्मा को जो उस धर्म युग में प्रवेश करना चाहती है, उसको मार्ग देने का अवसर ऊपर वाले सनातन धर्म को पहचानो। उस सनातन धर्म को यदि पहचान जाओगे, उसका अनुसरण करोगे, तो धर्म युग में प्रवेश होगा ही होगा। और वो धर्म युग क्यों है, इसके बारे में भी पूरी व्याख्यान में कर दूंगा। सतयुग क्यों था, त्रेता क्यों था, द्वापर क्यों था, कलयुग क्यों था, धर्म युग क्यों है, धर्म युग के बाद कौन सा युग होगा, उसके बाद कौन सा युग होगा, अगले 10-25 हजार 50 हजार वर्षों आगे तक कौन कौन से युग होंगे, इसे धर्म युग के अंदर व्यक्ति किसका अनुसरण करेगा, हमारे वेदों में निहित उस ज्ञान को, उस गूढ़ रहस्य को आप लोगों के सामने कल वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर रखूंगा। जितने भी तमाम हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर जितने भी प्रश्न हैं, परमात्मा निराकार क्यों है, परमात्मा साकार कब होता है, वो एक क्यों है, वो ज्योत स्वरूप क्यों है, गुरु क्यों आवश्यक है, धर्म क्यों आवश्यक है, धर्म के बिना इस संसार की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती, हमारे भीतर वो कौन सी शक्तियां हैं, हम ईश्वर की संतान कैसे कहलाते हैं, हर प्रश्न का उत्तर इतनी सहजता से मिलेगा। आप कहेंगे इसके लिए तो न जाने हमने सोचा था कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ये तो चंद पल के अंदर हमें समझ में आ गया। क्योंकि कहा गया है वेदों की आंख है ज्योतिष। जिस ज्योतिष को आप समझते हैं, आप कभी कहीं जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, आपका राहु, आपका केतु, आपका बुध, आपका शनि, ये ज्योतिष का सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटा रूप।